सर मैं करम से आया हूँ। ये सारे हमारे अलग अलग हैंड ग्लव्स हैं। हर हैंड ग्लव्स का अलग अलग एप्लीकेशन रहता है। जैसे हैंड ग्लव्स में क्या आता है कि कट लेवल 1 से लेकर कट लेवल 4 तक हम यूज़ करते हैं, वो जैसा आपका काम रहता है उसके हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं। जो फर्स्ट वाला आता है वो वाला आता है, हम जो ब्रेकिंग का काम करते हैं, जो वहाँ पे जिसको वाइब्रेशन का काम करते हैं वहाँ पे हम ये वाला हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं। बाकी सब ये दोनों है जो मैं ये दोनों है इंजीनियरिंग में, जो जहाँ पे हम स्क्रू और वगैरह कुछ लोड अरेस्ट करने के लिए हम ये दोनों का काम यूज़ करते हैं। आफ्टर देन जो है अगर हम पेंट का काम करते हैं, जहाँ पे हम ब्रश का काम करते हैं वहाँ पे ये दोनों हम, उसमें भी क्या होता है अलग अलग मटेरियल आता है, ये नेचुरल मटेरियल आता है और ये पीयू मटेरियल आता है। उस तरह पे हम सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पे पेंट का काम बहुत रहता है वहाँ पे हम नेचुरल मटेरियल का सजेस्ट करते हैं, और जहाँ पे इतना कम रहता है वहाँ पे हम पीयू मटेरियल का सजेस्ट करते हैं। बाकी सभी ग्राइंडिंग वाले ब्लेड कट वाले, जहाँ पे ब्लेड कट वाले 2, 3, 4 जहाँ पे ज़्यादा ग्राइंडिंग का काम रहता है वहाँ पे हम ये वाले सजेस्ट करते हैं कि कट लेवल 4, आप जितना भी ग्राइंडिंग का काम करते हो तो आपकी जो कंजम्पशन है, जो ग्लव्स की कंजम्पशन वो कम रहे, वहाँ पे हम ये ज़्यादातर 10 से 12 से 15 दिन तक चलेगा। ये दोनों है जो आपका 7 से 8 दिन तक चलेगा। ये आप ब्लेड कट लेवल 2 है, ब्लेड कट लेवल 3 है और ब्लेड कट लेवल 4 है, जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम करते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास और भी दूसरे भी हैंड ग्लव्स है, और हम एप्लीकेशन वाइज सजेस्ट करते हैं। अगर हम आपका प्लांट का एक बार सर्वे कर ले तो हम आपको एक सजेस्ट कर देंगे कौन सा ग्लव कहाँ पे यूज़ होगा। अभी एक मेरे को डाउट है, अभी विशाल भी ये जरा बताइए कि इसके अंदर देखो ये जो कोडिंग है 4121X ये क्या होता है, ये जरा ये पूरा कोडिंग होता है जो हम स्टैंडर्ड कोडिंग है। हर ग्लव्स में रहता है 4 2 4 1 2 1। 4 मीन्स एब्जॉर्प्शन लेवल, एब्जॉर्प्शन करते हैं हम, जो हम यहाँ पे रब करते हैं उसका लेवल 4 है। बाकी ब्लेड कटिंग जहाँ पे हम, मैंने बोला ना जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं वहाँ पे उसका कट लेवल 1 है। फिर 2 क्या है कि हम पंक्चर करते हैं, अगर हमारा जो उसका कट लेवल 2 है। और लास्ट चीज़ आएगी कि हमारा टीयर रेजिन, टीयर जो फटने का कट लेवल है वो 1 है। ऐसा करके सब हर कंपनी का एक कोड रहता है कि डिसाइड करता है कि हम इसका एप्लीकेशन कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके थैंक यू दोस्तों। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जब भी फील्ड में काम करते हैं तो हमको ये चेक कर लेना है कि जो उस हज़ार को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए वो हमने पहना है या नहीं पहना है। तो बेसिक हर किसी को सेफ्टी शूज पहनना ही है, सेफ्टी हेलमेट पहनना है। जो काम कर रहे हो वहाँ पे क्या हज़ार है उसके हिसाब से अपने को हैंड ग्लव्स पहनना है, सेफ्टी गॉगल्स पहनना है। अगर आप वेल्डिंग कटिंग काम कर रहे हो तो उसके लिए अलग से जो वेल्डिंग का जो फेस शील्ड आता है वो पहनना है। दूसरी बात, अगर कोई आपके लंग्स में जाने के लिए कोई डस्ट पार्टिकल हो तो उसके लिए प्रोटेक्शन लेना है, मास्क पहनना है। और अगर वहाँ पे हाई नॉइज़ एरिया है तो वहाँ पे आपको ईयर प्रोटेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप हाइट पर काम करने वाले हो तो फॉल प्रोटेक्शन के सारे इक्विपमेंट वहाँ आपको यूज़ करने हैं, तभी आप सेफली कर पाओगे काम दोस्तों।